The God's Place Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 square feet में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में जंगेठी निवासी विपिन कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में विपिन कुमार का पड़ोसी भी शामिल था। दरअसल विपिन कुमार अविवाहित था, जबकि उसके छोटे भाई की शादी हो चुकी है, इसलिए विपिन भी शादी करना चाहता था। और इसका लाभ उठाते हुए पड़ोसी ने अपने दोस्त को साथ लेकर विपिन की एक युवती से बात भी कराई थी। शादी कराने की एवज में पैसा भी लिया गया। युवती द्वारा शादी से इनकार कर देने व लिया गया पैसा वापस न लौटाने पर पड़ोसी युवक व उसके दोस्त ने पहले खेत में विपिन के साथ शराब पी और फिर नाड़ी से दम घोटकर मौत के घाट उतार दिया। दम घुटा है अथवा नहीं, इस आशंका के चलते बाद में उसका गला भी रेत दिया गया। पुलिस ने आज हत्यारों को मीडिया के समक्ष पेश किया। गिरफ्तार लोगों में अंकित पुत्र महक सिंह निवासी ग्राम जंगेठी और पप्पू पुत्र गुलबीर सिंह निवासी औरंग शाहपुरी डिग्गी जनकपुरी थाना मेडिकल शामिल है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने आज यह जानकारी दी। जंगेठी के रहने वाले एक व्यक्ति को जो है उसके मित्रों ने शादी के लिए ले करके, ये बाद में खुलासा हुआ है कि शादी के लिए उनको ले गए। मैं शुरुआत से बताना चाहूँगा कि एक डेड बॉडी मिली थी जंगेठी के पास में, एक ट्यूबवेल के पास, और गला काट के हत्या करी गई थी। कल सवेरे की बात है, बाद में पहचान हो गई इनकी कि ये विपिन नाम के व्यक्ति हैं। ये 6 भाई हैं कुल, और इसमें ये छोटे भाई थे। इनकी जो है शादी नहीं हुई थी, ये अलग रहते थे। जब इसमें गहराई से जानकारी करी गई तो कुछ सुराग मिले, जिससे पता लगा कि इनके ही गांव का रहने वाला, पास में रहने वाला एक अंकित नाम का लड़का, और उसने इनको बताया था कि मैं आपकी शादी करा दूंगा, और किसी महिला से बात कराने, एक प्रोस्पेक्टिव वाइफ के रूप में उससे बात कराने के लिए इनको ले गए, परंतु बात नहीं हो सकी। और उसके बाद भी इन लोगों ने शराब पी, और अपने एक और इसका साथी था जिनके साथ में, जिसका नाम पप्पू है, डिग्गी थाना मेडिकल क्षेत्र का रहने वाला है, इन दोनों ने मिल करके इसका एटीएम कार्ड ले लिया, और एटीएम कार्ड का पासवर्ड भी इससे उनको जानकारी थी जो कि साथ रहते थे। बाद में रस्सी से, नाले से गला घोट के इसकी हत्या कर दी है, और हत्या करने के बाद में गले पर जो है इन्होंने जब देखा कि कुछ जान बची हुई है तो गला काट के उनकी मृत्यु कारित कर दी, और उसके बाद में बॉडी को वहाँ पर फेंक करके चले गए। इसमें पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर इस पूरी घटना को वर्कआउट करते हुए घटना का मोटिव और घटना का पुनः अनावरण किया है। इसमें क्राइम ब्रांच, जनपद की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर, उनकी टीम, साथ ही साथ थाना कंकड़खेड़ा की टीम ने जो है बहुत अच्छा गुड वर्क किया है। इसमें दोनों मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल आला कत्ल बरामद किए गए, साथ में जो एटीएम कार्ड था, एटीएम कार्ड जिससे पैसे निकाले गए थे, वो एटीएम कार्ड बरामद किया गया मुजरिम के कब्जे से उनकी निशानदेही पर, और साथ ही साथ 28,000 रुपये से ऊपर की बरामदगी हुई है। और इस प्रकार साक्ष्य के अनुसार आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए इन मुलजिमों को सजा दिलाई। बैंक में बताया जाता है कि लगभग 1 लाख रुपए के आसपास, लेकिन ये पुष्टि नहीं हुई है इसकी, इसके बारे में पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन इन लोग को अंदाजा था कि लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है। इन्होंने 30,000 एक बार निकाले, जानकारी हुई 30,000 का एक किस्त बाद में भी निकाली है, जिसमें से 28,000 रुपये पुलिस ने बरामद किए, शेष जो है विवेचना के क्रम में और आगे कार्रवाई। इसमें आपराधिक इतिहास इनके अभी तक कोई जानकारी नहीं हो सकी है। मृतक पर जरूर एक धारा 354 का एक अभियोग पंजीकृत था 2020 में, पहले उसके बारे में भी जानकारी करी गई थी, लेकिन ये दूसरा ही एंगल निकला। उस महिला से इन्होंने वार्ता कराने का प्रयास किया, उसको बुलाया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद उसको एक प्रोस्पेक्टिव ब्राइड के रूप में उसको बुला करके ये बताने के लिए कि तुम्हारी शादी इससे कराएंगे, उससे वार्ता करी थी, परंतु वो आई नहीं। और ये सारी चीज़ें पुष्ट हुई हैं कि उसके आए बिना ही इन लोगों ने फिर बाद में बियर पिए और ले जा करके, क्योंकि इनका उद्देश्य तो उससे पैसे ऐंठने का था, तो उसका एटीएम कार्ड ले लिया और इनका काम आसान हो गया जब, तो इन्होंने उसको जान से मार दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।